तो अदीब अभी रेडी हो रही है, हम जाने लगे हैं वका की तरफ से। भाई दूल्हे मियाँ की तरफ से ट्रीट है, क्या कह सकते इसको, ना नहीं कह सकते। रानी की खुशी का बुखार भी उतर गया, सब कुछ ठीक हो गया, और खुशी का अंदाजा नहीं कि आज KFC खाने को मिल गया महारानी साहिबा को। आपका कार्ड आपको मिल चुका भाई, और थैंक यू फॉर द ट्रीट। इसी तरह आप मुझे रोज एक दो दिन छोड़ के ट्रीट देते रहे तो मैं आपको अच्छे लफ्जों में याद करूंगा। हर रोज कुछ नया देखने को मिलेगा, और हमारे अभी थोड़ा टाइम रह गया हमारे जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, हमारे नया व्लॉग। और इसमें ये जी हम आपको बताने लगे कि आज वकार कुछ स्पेशल दिखाने वाला है। अब वो क्या है वो उसके व्लॉग में दिखेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारी महारानी साहिबा जो है ना थोड़ी सी सर में दर्द है उनके, क्योंकि कल वो बेड पर पता नहीं किस तरीके से सो रही थी, सोने लगी थी तो पीछे आकर सर लगा तो काफ़ी शदीद दर्द था। तो बोल रहा है मेरी महारानी कह रही थी कि उनके सर में दर्द था और इस वजह से वो एक घंटा रोती रही। तो भाई एक घंटा आप रोती रही, किस तरह रोती रही कि यूँ टाइम देखा 3:30 बजे रोना स्टार्ट शुरू करी हूँ, रोते रोते 4:30 बज गए, फिर घंटे चलो भाई एक घंटा हो गया, रोना खत्म कर दिया हमने तो आवाज आ रही होगी। ये क्या बोला आपने, क्यों वही शट अप, आपने बोला मैं एक घंटा रोती थी, कैसे बचला आपने एक घंटा रोया, क्या पता आपने पौना घंटा रोया होता, क्या आपने 23 से 35 मिनट रोई होती, तो रोई क्यों थी आप, दर्द हो रहा था। तो जी इनको हो रहा था पेन क्योंकि इनका सर लगा था बेड पे। मजाक अपनी जगह, बात यह है कि मैं था नहीं, वरना चुप करा था, इनको पता है सर मैं जो साथ होता हूँ, तो मुझे बड़ा मिस कर रही थी जब इनको तकलीफ हो रही थी। सर लग गया, जाहिर सी बात चोट लगी तो ज़्यादा लगी थी, इस वजह से वो रो रही थी। तो खैर अभी जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहेगा। तो जी आज बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पे आई, और लिजबा की तबीयत ख़राब थी, लिजबा कह रही थी मेरी तबीयत डाउन है थोड़ा पढ़ा लें, तो 2:30 बजे बच्चे आ गए थे, अभी पढ़ा चुके, मैं नहाता हूँ फ्रेश होता हूँ। कुछ हमने न्यू सोचा हुआ है घर के बारे में, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और हाँ, काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई खिड़कियों से जब बारिश आती है तो जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो बाहर टेंट लगते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, या छज्जा टाइप लगता है। या इसके अलावा एक भाई ने बहुत बड़ा मैसेज किया मुझे, उसमें कहा है कि भाई जालियाँ लगती थी, कोई इशू नहीं अभी भी आप लगवा सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, अच्छे से किसी कारीगर से ब्लॉक में जाली लगवाएंगे इंशाल्लाह, या तो बाहर की तरफ लगवा लेते हैं बेहतर रहेगा। तो अभी कलर का काम जब शुरू होगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बाहर की तरफ जाली लगवाने की, ताकि मच्छर और मक्खियाँ अंदर ना आए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो खैर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन हम फंसे हुए थे, दोनों जो भाई जॉब कर रहे थे, और बहुत बुरे दिन चल रहे थे उन दिनों, काफ़ी इशूज चल रहे थे हमारी जॉब को लेके, इवन हमारी शादी भी होनी थी वो भी हमने करने थे, तो उन दिनों ही हो रही थी जबकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो खैर एनीवे जो भी होगा बता दिएगा आपको इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आगे जाके और मजीद हमने इम्प्लीमेंट्स करने हैं। महारानी की खुशी का बुखार भी उतर गया, सब कुछ ठीक हो गया, और खुशी का अंदाजा नहीं कि आज KFC खाने को मिल गया महारानी साहिबा को। तो भाई आप नहीं खाएंगे? ओ, हम भी खाएंगे, लेकिन खुशी जो हुई ना तुम्हें बिस्तर से उठा के ले, ज्यादा खुशी है, हम बताए किसको लग रही है। देखो भाई मैं बीमार ही था, मैं पैरों नहीं खाया, मैं बिस्तर से उठ के ऐसे नहीं खड़ा हो गया कि भाई KFC खा रहा है। जी महारानी का बीमार बुखार सब गया। नहीं जी मैं पहले ही अपना फेस वॉश करके मेकअप करे थे, बुखार भाई तो आइसक्रीम भी खा लेंगे KFC की, और बताओ। नहीं नहीं जितना उन्होंने कहा उतना होगा भाई, KFC की एक डील और एक आइसक्रीम, क्या हो गया इसमें। चलो सही है, आइसक्रीम भी तो बनता है ना भाई। अब आप खुद बताएगा हमसे ज्यादा कौन खुश हो ये ज्यादा मैं आइडियाज दे रहा हूँ ठीक है। वकार की तरफ से भाई ट्रीट मिल गई, तो रुको जरा सबर करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आशाला भाई दूल्हे साहब है, कितनी ट्रीटें मैंने दी है, कितनी बाजिंगर मैंने खिलाया है, कोई काउंटेबल नहीं थे, मेरा चैनल नहीं था। अच्छा मेरा चैनल अब आया। अच्छा अभी मैं दिखाता नहीं चीजें, तो दस चीजें तो मैं भी घर में लाता हूँ, ना इंसाफी नहीं करो मेरे साथ। चलो सही है, तो हम जो है ना भी खाएंगे ये जय कान शिकरे, जय जय कान शिकरे। और यहाँ पे देखे थोड़ा सा मैंने मेकअप क्या किया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। क्या मैं पीछे पड़ गया भाई, आप तो कहते हैं अभी बीमार थे अभी मेकअप करने आ गए, तो इतना कम मेकअप कौन करता है यहाँ पर देखें। वो मुझे पता नहीं था कि KFC का जो है ना वो जुनून था हथियार में का। नहीं नहीं वो मैं रोज सिंपल कर लेती, अच्छा, आपको पता है रात में चलेंगे ना। हाँ दो दिन पहले आपने भी मेकअप करवाया था, बनाने लगा लगी है हम लोग रात को, अम्मी तो जाएंगे नहीं, अम्मी ने मना कर दिया। ओके चलो बाय बाय। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें ये एक है आईलाइनर, ये तो नहीं है, ये सुपर कलर मस्कारा है, इसमें एक लिपस्टिक हो गई, और एक बस ये क्रीम, ये परफ्यूम, ये ब्लशर, इतना थोड़ा सा मेकअप होता है मेरा, और इसमें से बस ये यूज़ होता है, बाकी ये यूज़ नहीं होते। तो यार बताएं इतना हल्का सा मेकअप करती है, वो भी अभी बीमार थी, अभी मेकअप करने आ गई, तो चलो कोई बात नहीं, हस्बैंड हमें कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए अभी इनको वापस रखते हैं और गाउन शाउन पहनते हैं, रेडी होते हैं।
तो भाई प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया, ऐसा हुआ है कि हम रात को जाने सोचे थे लेट नाइट, वकार कह रहा मैं फ्री हूँगा, तो बेहतर ये है कि हम टाइम से होके आ जाएं और जो मेरे पास सवा घंटा डेढ़ घंटा रह गया है उससे पहले हम खाना खा के आ जाएं और मैं निकल जाऊँगा ऑफिस। तो अभी मेरे पास टाइम है इंशाल्लाह माशाल्लाह से, तो अलीबा अभी रेडी हो रही है, हम जाने लगे हैं वकार की तरफ से। भाई दूल्हे मियाँ की तरफ से ट्रीट है, क्या कह सकते हैं इसको, ना नहीं कह सकते क्योंकि आई रोजी को ना नहीं कहते तो खैर वो ट्रीट को कभी ना नहीं कहता मैं, और इवन के मैं ट्रीट के लिए कभी कभी फोर्स भी करता हूँ क्योंकि यार खाने पीने का जो मजा है ना आप नहीं सोच सकते। वो आपके पेट से नजर आ रहा है, पेट मेरा कम हो गया बहुत ज्यादा और जेलिसी नजर आ रही है लिशबा की। खैर तो अलीबा को जो ना ये खड़ी है रेडियो नहीं आवाजें दे रही है, तो अभी लिशबा जो है रेडियो होने लगी है, उस रूम में अब्बू और चाचा बैठे हुए तो इसलिए आज यहाँ रेडियो हो रही है लिशबा। तो खैर अभी जो है ना असल में चाचू की थोड़ी तबियत डाउन होती है तो वो मेरे अब्बू के पास अक्सर आ जाते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, तो ये दोनों जो है ना भाई अपना मोबाइल निकालते हैं और यूट्यूब चला के बैठे होते हैं, कभी मूवीज़ देख रहे होते हैं, कभी मूवीज़ तो नहीं देखते ज़्यादातर मैचेस देख रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं और हमारे चैनल देख रहे होते हैं। तो अभी चाचू आए हैं, अब्बू उनके साथ बैठे हुए, तो दोनों भाई जो है ना रूम में हमारे बैठ के यूट्यूब चला के बैठे हुए। तो खैर अभी मैं और अलीबा जाने लगे हैं कुछ खाने के लिए, फिर ट्रीट के बाद, अब ट्रीट ऐसी है कि विदाउट जिसने ट्रीट दी वो है ही नहीं, वो किसी काम से निकल गया है, तो अभी मैं और रिश्वा जाते हैं होके आते हैं उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। जी मैं और रिश्वा आ जाए हैं, वक्कर भाई खाती ट्रीट है केएफसी की, तो केएफसी आ गए हम, जानते होंगे ये काका फकीर चंद बाबा साहब हैं, अभी अलीबा का फेवरेट फूड प्लेस जहाँ से अलीबा को बहुत पसंद है, तो अलीबा का बहुत ही फेवरेट फूड प्लेस है। चलें जी ऑर्डर करते हैं, सबसे पहले चलते हैं काउंटर और डील्स चेक करते हैं। अजय हमने ऑर्डर कर लिए डील जो अक्सर मैं और अलीबा लेते रहते हैं, हमारी एक ही डील होती है जो कि जिसमें दो जिंगर होते हैं, उसमें दो फ्राइज़ और उसके साथ दो कोल्ड ड्रिंक्स, साथ में दो चिकन पीसेज होते हैं, तो यही डील हम खाते रहते हैं। अभी फ़िलहाल हमने डील की ऑर्डर और उसके बाद अभी जाते हैं उनसे मालूम करते हैं कितनी देर लगेगी, क्योंकि ऑर्डर हो चुका है हमारा और पेमेंट भी हो चुकी है, ये वक़ा की तरफ से ट्रीट थी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। ये हमारा ऑर्डर आ गया माशाल्लाह से, जैसे कि आपको पता है हम हमेशा ये डील मंगाते रहते हैं, इसमें लेग पीस और चेस्ट आज मैंने मंगाया, अक्सर विंग वगैरह आते हैं, तो ये फ्राइज़ और साथ में केचप और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स और दो जिंगर हमारे, ये डील टोटल हम हमेशा ये ऑर्डर करते हैं और ये हमारे लिए बेहतरीन डील साबित होती है और इनफ होती है, क्योंकि ये मुझे खाने पड़ते हैं रिश्वा खाती नहीं है, ये मैं खा लेता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी साबित हुई। और ट्राई करेंगी यार, ये तो गलत जुल्म हो गया मेरे साथ। चलो जी आज ये रिश्वा ट्राई करेंगे अपने चिकन पीस, ज़रूर करें आप दोनों खा लें, कोई मसला नहीं मुझे, लेकिन खाया करें, आपको ये आदत करनी चाहिए, खानी चाहिए आपको चिकन वगैरह। चलें जी खाना स्टार्ट करते हैं, मुंह में बहुत पानी आ गया है क्योंकि टाइम हमारा बहुत कम है। भाई खाने के बाद फिर ये मीठा क्यों ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, इसमें ऐड भी नहीं था, हमने ऐड कर दिया। तो भाई थैंक यू वकार, बोल दो वकार भाई थैंक यू फॉर द ट्रीट एंड आइसक्रीम एंड इतना अच्छा खाना। सो गाइस यहाँ पे देखिए अभी जो आइसक्रीम भी आ चुकी है और आप तो फुल हो गए थे, अच्छा सही है। तो अभी आप थोड़ा जल्दी खाइए, मुझे कॉल आ गई है, सिर्फ आधा घंटा 40 मिनट लगे, ठीक है खत्म करते हैं फिर चलते घर, और आज आपको मिलेगा इंशाल्लाह एक नया छोटा सा शॉर्ट, ओके जरूर कम हमें बताइएगा कि इस शॉर्ट में आपको कितना मजा आया, आपको अच्छा लगा नहीं लगा। यहाँ पे देखिए सारा खाना इन्होंने खाया, ये आपने खाया, चलिए अब ज्यादा बातें ना करिए पिघल जाएगी। आपका कार्ड आपको मिल चुका भाई और थैंक यू फॉर द ट्रीट, इसी तरह आप मुझे रोज एक दो दिन छोड़ के ट्रीट देते रहे तो मैं आपको अच्छे लफ्जों में याद करूंगा। क्यों लेगा? आज देना शादी से पहले कोई ट्रीट नहीं मांगा। क्या भाई क्या हो गया, और बहुत सारे काम मैंने करने हैं, उसकी ट्रीट लेनी मैंने, कोई गंजे नहीं हो गए। खैर इससे हमारी दुआएं मजबूती से काम करेंगी, पता है दुआ ज्यादा लगी आपको, पता है थोड़ा सा ना ये मुझे एक मशवरा दो, मैंने जो नेट लगवाया था उसकी ये बहुत बेकार सी उन्होंने वायरिंग कर दी। देखो भाई ये जो ना भाई यहाँ पर नहीं लगती, ये नहीं भाई यहाँ पर जो इसके पिलर के नीचे जाना, ये मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना तुम बता रहे हो ना जहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक लगा बारिश नहीं आती यहाँ पर, क्या बात है, एक जना और एक छोटा सा बोर्ड का कनेक्शन यहाँ देते हैं, वो जना ये देखो यहाँ से जना हम बोर्ड का कनेक्शन यहाँ से ले लेंगे, हमारे पास बोर्ड पड़े हैं यहाँ लगवा के डिवाइसेस यहाँ लगवाते हैं। कारपेंटर कब आएगा वैसे आपका? कारपेंटर अभी आएगा आज तारीख, क्योंकि मुझे काम करवाने अपने तो आएगा कारपेंटर को बुलवाना है मुझे, कुछ काम करवाने बिल्डिंग के, कारपेंटर तब आएगा जब पैसा आएगा, पैसा आएगा। चलो ठीक है, तो फिर ये सीन है यहाँ यहाँ एक लग जाएगा, उसके बाद एक और चीज़ ये है कि वाईफाई का हो गया सीन और ट्रीट भी हो गई तुम्हारी, इसके साथ साथ बस अभी मुझे वो उससे बात करनी है तुम्हारे बंदे से, ठीक है
जैसे हमारे रूम का काम किया, शायद हम भी सोचें इस हवाले से, सही है? चलो ठीक है, बात कर लेंगे। हाँ वो मैं बात करूँगा, बाकी अभी जो है ना कॉल आ रही है गाइज, आप देख सकते हैं वो नीचे वेट कर रहे हैं, तो मुझे भी इससे बात करनी है, तुम्हारी बात मैं करवा दूँगा। तो गाइज मैंने एक चीज़ सोची हुई है जो डेली बेसिस में मैंने एक रूटीन बनाई हुई है, और वो ये है कि मैं यहाँ से कॉइल उठाता हूँ और डेली बेसिस पे कॉइल जला के मैं रख देता हूँ बाहर, ताकि मच्छर ना आए। तो आपको पता होगा ये बाहर इसकी खुशबू भी अच्छी है और मच्छर भी नहीं आते, ठीक है? तो यहाँ से मैं ये कॉइल जलाता हूँ और जाके बाहर लगा देता हूँ गैलरी में, ताकि इससे हमें मलेरिया दोबारा ना हो, पता है आपको हो चुका है ऑलरेडी। तो जी फाइनली दूल्हे साहब यानी कि वकार ने, हमारे छोटे भाई ने हमें ट्रीट दे दी अपनी भाई और भाभी को, जो कि बात पहले से पेंडिंग थी। और इसके साथ साथ आज अलीशबा ने काफ़ी इंजॉय किया कि अच्छी में आइसक्रीम देखी अलीशबा ने, और बहुत ही फेवरेट अशबा की हमने फ्लेवर मंगाया, फेवरेट जो फ्लेवर मंगाया बिलिना, तो अच्छी थी आइसक्रीम। आपसे हम यहीं की आइसक्रीम ट्राई किया करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी थी। खैर एनीवे छोटा सा बताओ, यहीं एंड करते हैं, हर रोज़ कुछ नया देखने को मिलेगा, और हमारे अभी थोड़ा टाइम रह गया हमारे जाने के लिए। और हाँ मैं अब्बू से कल आपकी बात करा दूंगा, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा भी हमने बंद किया हुआ है। तो खैर आज हमने कल अब्बू से बात भी करेंगे, तो फाइनल उनका डिसीजन जो भी पूछेंगे कि अगर तबीयत बेहतर है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैंने टेस्ट ज़रूर कराया, मैंने अब्बू से बहुत कहा है, अब्बू कह रहे नहीं मुझे नहीं कराना, मैं ठीक हूँ, तो फिर भी मैं फोर्स करूँगा इंशाल्लाह, और इनके डॉक्टर को ज़रूर कॉल करूँगा कल, देखते हैं क्या सीन है, जो भी है वो कल पता चल जाएगा। यहीं पर अपना छोटा सा ब्लॉग एंड करते हैं, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको नई अपडेट्स और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी ज़रूर, और हमारे साथ बने रहिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया लाइक सब्सक्राइब और शेयर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह।